कैसी फसलें कब फसलें होनी चाहिए और कब इसको हार्वेस्ट करने का वक्त हो, इसलिए ये जो इस वक्त की क्राइसिस है, सबसे बड़ी क्राइसिस इस वक्त जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी है। इसका समाधान यदि ढूंढना है भारत में तो दोनों एक साथ लिंक है, गर्मी, बदलता जलवायु और हमारी कमी होती वर्षा जल, हमारी कमी होती धरती के पेट का पानी, हमारा बढ़ता बाढ़ और सुखाड़, ये दोनों हैं। जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त जितनी धरती पे अकाल पड़ता था उससे 10 गुना ज़्यादा ज़मीन पर अब अकाल पड़ता है और 8 गुना ज़्यादा ज़मीन पर अब बाढ़ आती है। तो हमारे सामने ये जो संकट है, ये संकट बदलते मौसम के कारण हुआ है। इसको यदि हमें ठीक करना है तो जिस तरह से हमारे राजस्थान के लोगों ने 10,800 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर 11,600 स्ट्रक्चर बना के किया, वो और धरती में अपने आप हरियाली बढ़ी, उसने कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन किया और उसके सिक्वेस्ट्रेशन के कारण एलिडो इम्पैक्ट ठीक से हम कर पाए। मुझे लगता है कि इस देश में सब जगह ये करने की ज़रूरत है। यदि हम राजस्थान जैसी जगह में, जो इस देश का सबसे चैलेंजिंग जगह है, जहाँ सबसे कम रेनफॉल है, जहाँ सबसे कम रेनफॉल है और गर्मी ज़्यादा है, यदि हम उस जगह पर इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं तो इस देश को बदलते मौसम के खतरे से हम बचा सकते हैं और ये देश आगे बढ़ सकता है। मैंने आज यहाँ SMS में आके यहाँ के इंजीनियरों को यही सिखाने की कोशिश की कि भाई तुम जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो ये बहुत अच्छी है, लेकिन इस इंजीनियरिंग को अभी हमने जो मॉडर्न क्राइसिस है इस इंजीनियरिंग के साथ जोड़कर इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। उनके सेक्रेटरी शरद जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो जल्दी से अपने इस इंस्टीट्यूट में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन का और क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कोर्स शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे जो फ्यूचर आ रहा है, इस फ्यूचर को ये ज्ञान समझना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझेंगे तो फिर हम जो हमारी आज गंगा बिल्कुल आईसीयू में भर्ती हो गई है, मरने को तैयार है, उसको भी हम ठीक कर पाएंगे। जो हमारा धरती का पेट 80% से 72% से ज़्यादा खाली हो गया उसको भी रिचार्ज कर पाएंगे। तो हम यदि बेहतर इंडिया बनाने का सपना देखते हैं तो उसकी शुरुआत हमें नीचे गांव से करनी होगी। जो गांव बेपानी होकर उजड़ के शहरों में आ रहे हैं उनको वहीं रोकना होगा और शहरों के लोग वापस गांव में जाके आनंद फील कर सकें, ओ मेरा गांव, ये कह सकें, वैसा वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिएगी। मैंने तो पिछले 42 सालों में यही काम किया, इसलिए मेरे जो आगे का जीवन है वो गंगा के लिए लगाऊंगा, क्योंकि गंगा हमारी सांस्कृतिक नदी है, हमारी आध्यात्मिक नदी है। तो अब मैं गंगा पर गंगा सद्भावना यात्रा में हूँ, क्योंकि शरद सिंह जी ने और आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आ गया।